करनाल के गांव घोगड़ीपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। यहां चार हथियारों से लैस बदमाशों ने बिजेंद्र मान नाम के एक व्यक्ति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी बदमाश हथियारों से लैस होकर एक असेंट कार में सवार होकर आए थे। सूचना के बाद डीएसपी, एसएचओ व पुलिस बल के साथ फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आइए आपको सुनवाते हैं कि डीएसपी ने इस मामले के बारे में क्या कुछ कहा। ये मामला आज करीब 10 बजे गोगड़ीपुर गांव का, ये विजेंद्र है और कुछ तीन चार लड़के कोई गाड़ी वगैरह में आए और जो है इसको गोली मारकर चले गए, जिसको 5 गोली लगी हैं। 2 छाती में हैं, 1 होठों पे, 1 कान में है, 1 माथे पे है। तो अभी इनसे परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, जिस पे कोई शक जाहिर करेंगे तो आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम और क्लियर हो जाएगा कितनी गोलियाँ लगी। क्या काम करते थे सर? ये काम तो अपना खेती बाड़ी का ही था इनका। बाकी ये भी पता चला है कि भाई ये कई बार पंचकूला चंडीगढ़ वगैरह भी आते जाते थे किसी काम के लिए। तो अब क्या केस दर्ज किया सर? अभी केस 302 का ही केस रजिस्टर करेंगे। ठीक है सर। अपना नाम सर? रामदत्त, डीएसपी ग्रोंडा। डीएसपी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बिजेंद्र को बदमाशों ने 5 गोलियां मारी थी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजेंद्र की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लोगों ने कहा कि पुलिस इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पुलिस ने बताया कि फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। पता लगा जी उसका बजिंदर का तेरे अंकल का गोली मार दी। बस 2-3 बदमाश थे, उन्हें 6-7 राउंड कर रखे। किस टाइम की वारदात? 10 बजे की वारदात है जी। तो मौके पे पुलिस आ गई थी? मौके पे लेट आई थी, बहुत एम्बुलेंस भी लेट आई और पुलिस वाले भी लेट आई। कोई दुश्मनी थी आपके चाचा की? कुछ भाई कुछ नहीं कह सकते इस बारे, किसी के से कुछ नहीं, किसी से ऐसा कोई मैटर। आपके चाचा जी गांव में रहते थे? बाहर गांव में भी रहते थे, बाहर भी रहते थे। बाहर अनमैरिड है, ये प्रॉपर्टी का ही काम करते थे। कहाँ? पंचकूला रहते थे? पंचकूला भी रहते थे, चंडीगढ़ भी। ये फ्लैट वगैरह लेता रहता था, रूम चेंज करता रहता था। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम रणदीप। रणदीप, क्या लगते हैं आपको? मेरे जी अंकल जी हैं। ठीक है। लगा कुछ नहीं पता क्या दशा हुआ है, क्या दशा हुआ ये? इसका विजेंद्र के फादर का नाम महिपाल सिंह। घाट है? कब की वारदात है? सुबह की बात है। उम्र कितनी होगी सर? 47 के करीब होगी। 47 साल। क्या जानकारी मिली थी आपको? मैं तो करनाल रहा हूँ सारे भाई, ये एक फैमिली है जो हमारी वहां रहती गाँव में। 47 बस इसका सुबह पता लगा की भाई गोली मार दी किसी। तो क्या देखा आपने मौके पर पहुंचे तो? वही सड़क पे पड़ा था, पुलिस लगी थी, सारे काम खड़ा था वहां। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।